जय श्री राम, जय बागेश्वर राम। दोस्तों, क्या आपने कभी बंदर को गोद में खिलाया है? नहीं ना, क्योंकि बंदरों से सभी लोगों को डर लगता है। अपने आस पड़ोस में यदि आपको बंदर दिख जाए तो उसे भगाने के चक्कर में लोग लठ पत्थर या कुछ भी उपाय करने लगते हैं ताकि यह भाग जाए। पर आपने कई बार देखा होगा कि बंदर इस तरीके से पलट कर जवाब दे देते हैं। पर गुरु जी की गोद में भी आपने बंदरों को कई बार बैठा देखा होगा, और गुरुजी का मानना है कि यह बालाजी का स्वरूप है तो इसे मारना नहीं चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, आप ये भी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बंदर एक इंसान पद्धति का ही है। क्योंकि आपको पता है श्री राम की सेना में सभी भालू बंदर ही थे, तभी से सभी लोग बंदरों को भगवान का ही स्वरूप मानते। ऐसे में ही गुरुजी धाम पर नहीं थे, एक बंदर धाम पर आया और उसने काफ़ी ज़्यादा लोग डरने लगे। पर बताया वहाँ के सेवादारों ने कि बंदर यहीं पर रहता है और आसपास में ही रहता है, कभी कभार धाम पर आता ही रहता। वो बंदर स्वयं बालाजी का ही स्वरूप है जो कि भक्तों को देखने आते ही रहते हैं। क्योंकि अभी तक आपने बागेश्वर धाम में बंदरों को नहीं देखा होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम में बंदर नहीं है। यदि एक कोई बंदर आता है तो आप इसमें स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये बालाजी का ही स्वरूप है। आता है और लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, ना ही उनका प्रसाद सीना झपटी करता है। आता है, कुछ पलों के लिए रुकता है, घंटा दो घंटों के लिए फिर चला जाता है। ऐसे में बालाजी का ही स्वरूप माना जाएगा उस बंदर को, क्योंकि वहाँ पर बालाजी का ही स्थान है। वो आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और आपको बता दूं कि गुरुजी 5 तारीख को धाम पर ही आ जाएंगे, मंगलवार की पेशी धाम पर ही लगेगी, 5 जून को गुरुजी धाम पर होंगे। तो जो लोग भी अर्जी लगाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी गुरुजी की और कथा अभी 2-3 दिन तक कहीं नहीं है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।